जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए हैं, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। पेशाब करने वाला किस पार्टी का आदमी है? अरे यहां पर आदिवासियों को, अस्पृश्यों को शेड्यूल कास्ट की हिफाजत नहीं कर सकते, उसके मुंह में बीजेपी का आदमी अगर अपना मूत्र डालता है, ये लोग उसको पवित्र करने के लिए उसका पैर धोते हैं। अरे पैर धोने से उसके मुंह में जो मूत्र गया वो बाहर आता है। उसको जो आपने इंसल्ट किया, उसका स्वाभिमान को धक्का लगाया, ऐसे शाह है मोदी की जो कहना है, और चव्हाण जो उसके पैर धो के पूजा करते हैं, अच्छा टावेल की वेल ला के उसको साफ करते हैं, अब टीवी में देखा होगा। और ऐसे लोग हुकूमत को संभालने के बजाय यहां पर ऐसे हरकतें होते रहती है लेकिन उधर ध्यान नहीं देते। तो मैं दोस्तों आपसे यही कहूंगा, दलितों के मकान यहां टूट गए और बहुत से जमीन उनके निकल चले हैं, तो आप लोग एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलके एक होकर सबसे ज्यादा यहां पर गरीबी है, बेरोजगारी है और यह सब कुछ है, इसको निकालना होगा तो कांग्रेस पार्टी ही कुछ कर सकती है। महंगाई इतना है कि उसको कोई नहीं उधर ध्यान नहीं दे रहे। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टोमेटो 2024 में सिर्फ 2014 में 15 था, अब 72 रुपए हो गया, यानी 380% बढ़ गया। एलपीजी सिलेंडर 166% बढ़ गया। तुअर दाल, अरहर दाल बोलते हैं आप, वो 129% बढ़ गया। वनस्पति 110, हमारे जमाने 62 था। उसी राइस 80% हो गया, हमारे जमाने में 20 था। सनफ्लावर
79, आज उससे भी ज्यादा 71%। तो ये रिपोर्ट है मेरे पास, आपके जमाने में क्या हुआ, हमारे जमाने में क्या था, ये सब है। शाह साहब अपने एजेंटों के थ्रू को ही तो है, यहाँ पर के सीबीआई के लोग उनके बैठे हुए रहते, उधर आईबी के लोग बैठे हुए, लिख ले के वो शाह जी को बताओ ये रिपोर्ट कार्ड खरगे साहब ने सागर में दिया है।